नमस्कार दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले एक वाक्य आपकी नजर इनायत है। ये वाक्य है 1988 का। स्वर्ण मंदिर के पास एक जमाने में जनरल सिंह भिंडरवाले की तूती बोलती थी। वहां अमृतसर के लोगों और खालिस्तानी समर्थकों ने एक रिक्शा वाले को बहुत ही तन्मयता के साथ रिक्शा चलाते हुए देखा। दरअसल वो इस इलाके में नया था। हालांकि वह वैसा ही लग रहा था जैसे आमतौर पर रिक्शा वाले लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी खालिस्तानियों को उस पर कुछ कुछ शक था। स्वर्ण मंदिर की पवित्र दीवारों के आसपास खुफिया तंत्र के पैंतरों और जवाबी पैंतरों के बीच उस रिक्शा वाले को खालिस्तानियों को यह विश्वास दिलाने में करीब 10 दिन लग गए कि उसे ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उनकी मदद के लिए वहां भेजा था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 दिन पहले वो रिक्शा वाला स्वर्ण मंदिर के अहाते में घुसा और प्रत्यक्षतावादियों की असली पोजीशन और संख्या के बारे में महत्वपूर्ण और जरूरी खुफिया सूचना लेकर बाहर आया। दरअसल दोस्तों, वो रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि भारत सरकार में वर्तमान सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। दोस्तों, हमारे सुरक्षा बलों को खालिस्तानियों की योजना का पूरा खाका अजीत डोभाल ने ही उपलब्ध कराया था। यही नहीं दोस्तों, 80 के दशक में डोभाल की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसी मिजोरम में प्रत्यक्षतावादियों के शीर्ष नेतृत्व को भी भेदने में सफल रही थी। डोभाल के अंडर काम कर चुके एक अधिकारी बताते हैं कि हम लोगों पर कोई ड्रेस कोड लागू नहीं होता था। हम लोग कुर्ता, पाजामा, लुंगी और साधारण चप्पल पहनकर घूमा करते थे और सीमा पर जासूसी के लिए जाने से पहले अपनी दाढ़ी भी बढ़ा लिया करते थे। वो कहते हैं, अंडर कवर रहना सीखने के लिए हम लोग जूते बनाने का काम भी सीखा करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर टारगेट इलाकों में मोची का काम करते हुए जानकारियां इकट्ठे कर सके। दोस्तों, अब मैं वो बात बताता हूँ जो अजीत डोभाल के साथ पाकिस्तान में घटी। दोस्तों, ये बात अजीत डोभाल ने विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन के समारोह में भाषण देते सुनाई थी। उन्होंने कहा था, लाहौर में ओलिया की एक मजार है जहां बहुत से लोग आते हैं। मैं एक मुस्लिम शख्स के साथ रहता था और वहां से गुजर रहा था, तो मैं भी उस मजार में चला गया। वहां कोने में एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने मुझे दूर से देखा और छूटते ही सवाल किया कि क्या तुम हिंदू हो? उसके बाद डोभाल ने उत्तर दिया, नहीं। उसके बाद भी उस शख्स ने डोभाल से कहा, मेरे साथ आओ। उसके बाद डोभाल उसके पीछे पीछे चल दिए। वो शख्स डोभाल को एक कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और उसके बाद उस शख्स ने डोभाल से कहा, देखो तुम हिंदू हो। डोभाल ने उस शख्स से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने कहा, आपके कान छिदे हुए हैं। इस पर डोभाल ने सफाई देते हुए कहा, हाँ, बचपन में मेरे कान छिदे गए थे, लेकिन बाद में मैं कन्वर्ट हो गया था, मुसलमान बन गया था। उसके बाद उस शख्स ने कहा, तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए थे। खैर, तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो यहाँ के लोगों को शक हो जाएगा। दोस्तों, आगे डोभाल बताते हैं कि उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि सच में मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? डोभाल ने कहा, नहीं। उसने कहा, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। फिर उसने अपनी एक अलमारी खोली जिसमें शिव और दुर्गा की प्रतिमा रखी हुई थी। उसने कहा, देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर के लोग मुझे एक मुस्लिम धार्मिक शख्स मानते हैं। राके पूर्व चीफ दुग्गल कहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजेक के दौरान कंधार से डोभाल मुझसे निरंतर टच में थे। ये उनका ही बूता था कि उन्होंने हाईजेकर्स को यात्री छोड़ने के लिए राजी कर लिया। हालांकि उनकी शुरुआत में मांग 100 लोगों की थी। वो चाहते थे कि 100 चरमपंथियों को छोड़ा जाए, लेकिन अंत में उन्होंने 3 पर ही उनको राजी कर लिया था। डोभाल के एक और साथी CISF के पूर्व महानिदेशक KM सिंह कहते हैं कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में मेरे ख्याल से ऑपरेशन के मामले में अजीत डोभाल से अच्छा अफसर अब तक कोई नहीं हुआ। दोस्तों, आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए कि डोभाल के बारे में और उनके कार्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं।